बिहार में अगले 72 घंटों में भारी बारिश और ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। ये बारिश काफी जोरदार होने वाली है। नेपाल से सटे जिलों सहित उत्तर और मध्य बिहार के कई जिलों में इसके होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 से 12 जुलाई तक लोगों को तेज बारिश और वज्रपात से बचकर रहना होगा। विभाग ने यह भी अलर्ट किया है कि इसके कारण जान माल की हानि हो सकती है, साथ ही इसके कारण निचले स्थानों पर जलजमाव के साथ बिजली सेवा और आवाजाही भी बाधित हो सकती है। वहीं इस मानसून के कारण बिहार में बाढ़ का भी खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने इस दौरान नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है और लोगों से यह अपील की है कि वो आपदा की इस घड़ी में सावधानी बरतें। सूबे में जारी महाअलर्ट के बाद सीएम नीतीश कुमार भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को कड़ा निर्देश दिया है। सभी जिलों के डीएम को अलर्ट पर रहने को कहा गया है, साथ ही तटबंधों के किनारे रहने वाले लोगों को इस आपदा से बचाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नेपाल के तराई इलाकों में रुक रुक कर हो रही भारी बारिश के कारण पहले से ही बिहार की नदियां उफान मार रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हिमालय से निकलकर बिहार और बंगाल से गुजरने वाली महानंदा नदी में भी पानी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने जो रेनफॉल फोरकास्ट सिचुएशन जारी किया है उसके मुताबिक 9 से 10 जुलाई के बीच नेपाल के बागमती और महानंदा कैचमेंट में 60 से 100 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार में महानंदा वाले क्षेत्र में भी 60 से 100 मिलीमीटर वर्षा होगी। कुछ जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं 10 से 11 जुलाई को होने वाले मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखें तो नेपाल में बागमती, कमला, कोसी और महानंदा के अधिकतर इलाकों में 100 मिलीमीटर की बारिश होगी। वहीं बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक, अधवारा समूह, कोसी और महानंदा नदियों वाले स्थानों पर 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होगी। 11 से 12 जुलाई को लेकर मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसके अनुसार नेपाल के जलग्रहण वाले गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती क्षेत्रों में भी तेज बारिश होगी। यहां वर्षा की मात्रा 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। वहीं बिहार में देखें तो यहां गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी के कुछ स्थानों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक नेपाल के तराई क्षेत्र से सटे इलाके उत्तर और मध्य बिहार के जिलों वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सीवान, शिवहर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, अररिया इत्यादि जिलों में भारी बारिश और वज्रपात हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को काफी सतर्क रहने को कहा जा रहा है। अगर बिजली चमकती है या बादल गरजते हैं तो पेड़ के नीचे या खुले आसमान में नहीं रहें, बल्कि किसी पक्के घर में शरण ले लें और खुद को इस प्राकृतिक आपदा से पूरी तरह सुरक्षित रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको पल पल के खबरों से अपडेट कराते रहें।